हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और द पॉसिबल एक पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्या ये पॉसिबल है कि 3G डिवाइस में 4G सिम घुसेड़ के चला सकते हैं। तो एक्चुअली मैं बात कर रहा हूं जियो सिम की। बहुत सारे एक्चुअली यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि भाई मेरा प्रोसेस जो है फॉलो करो, मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करो और आप जो है 4G सिम यानी कि जियो सिम आप 3G डिवाइस में भी यूज कर सकते हैं और फ्री डाटा जो देता है रिलायंस वाले ने जो दिया है फ्री डाटा, उसके बाद फ्री कॉलिंग, ये वो सभी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो एक्चुअली जैसे कि मैंने कहा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने एक्चुअली एक वीडियो देखा जिसमें जिन वीडियो में लाइक्स बहुत हैं डिसलाइक कम है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे हिसाब से उनका जो है चलेगा या नहीं चलेगा मेरे को पता नहीं, लेकिन ये वीडियो है और मैं जो है इनका इंस्ट्रक्शन जो है फॉलो करूंगा, उनका मेथड जो है फॉलो करूंगा कि कैसे कैसे करना है और देखूंगा कि मेरा ये 3G डिवाइस है इनमें। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा कूलपेड नोट 3 लाइट है और यहाँ पे जियो सिम लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं 4G है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कूलपेड नोट 3 लाइट है और ये जो है 4G डिवाइस है और ये मेरा एंड्रॉयड 1 है ये वाला माइक्रोमैक्स का, और गूगल पे आप भी सर्च कर लीजिए ये 3G डिवाइस है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं बोल रहा था कि उनका मेथड जो है फॉलो करूंगा, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली मैं उनका चैनल का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर फेक ये साबित हो गया, मतलब कि ये फेक साबित हो गया तो वो मेरे को टारगेट में कर लेंगे यार, मतलब कि मेरे को फ्रॉड साबित कर रहा है ये वो, तो मैं इसलिए नहीं करूंगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सच जाने, मतलब कि सच्चाई आपके सामने हो, जिससे कि आप बेकार में क्यों ट्राई करें यार। जो मतलब कि 3G डिवाइस में अगर काम नहीं कर रहा तो बेकार के वीडियोस देख के आपका वक्त जाया क्यों करें, यही मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद है। और इनको जो है फ्रॉड साबित करने का इरादा नहीं है ये वो, तो छोड़िए। तो इनका एक्चुअली वीडियो मैंने देख लिया है कैसे करना है, आप देख सकते हैं ये उनका टाइटल है। ओके, तो अगर इस यूट्यूबर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो माफ़ कीजिए सर, मैं आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपकी सम्मान करता हूँ, लेकिन ये वीडियो जो है मैं सच्चाई मतलब कि दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तो चलिए जानते हैं, मैं यहाँ पे इसका सिम जो है, यहाँ पे जो जियो सिम लगा हुआ है ये खोलूँगा आपके सामने और यहाँ पे घुसेड़ूंगा और आपका जो है प्रोसेस फॉलो करूंगा। मैंने एक्चुअली आपका वीडियो देख लिया है, डिट्टो मैं यहाँ पे सेम फॉलो करूंगा, आप देख सकते हैं ये वीडियो और ये मैं मतलब कि कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने क्या गलती की है क्या गलती नहीं की है। एक्चुअली मैं टोटली देख चुका हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ कि वीडियो मैं टोटली देख चुका हूँ कैसे करना है ये वो, तो मैं ट्राई करता हूँ। तो ये मैं खोलूंगा यहाँ पे इसका जो ये है, ये देखता हूँ। एक्चुअली यार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है, आप देख लेते हैं कि लाइक्स ज़्यादा है डिसलाइक कम है, तो आप मान लेते हो कि भाई ये तो लाइक ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा लोग लाइक किए हैं, इसका मतलब कि काम कर रहा होगा। और आप जो है वीडियो देखते हैं लास्ट में आप ट्राई करते हैं कि बहुत बार ट्राई करते हैं कि नहीं होता ये वो, और आपको कमेंट में दिख जाता है कि भाई मेरा आपका द्वारा दिया गया जो प्रोसेस है मेरे में काम कर रहा है। अरे बाप रे, ये नहीं खुल रहा, अरे सॉरी अरे अच्छा अच्छा। तो मैं क्या कर रहा था, तो आप कमेंट में देखते हैं कि वहाँ पे होता है कमेंट कि भाई आपका जो दिया गया प्रोसेस में मैंने फॉलो किया और मेरा काम कर गया, ऐसे कमेंट्स देख के आप जो है बिलीव करते हैं कि ये वीडियो जो दिखाया गया है वो सच है। तो मैं आपके सामने जैसे कि बोल रहा था कि मैं आपके सामने ये टोटली दिखाऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा जियो सिम है यहाँ पे लगा हुआ है, ये कूलपेड नोट 3 है, मैं निकाल देता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं फॉलो कर सकते हैं। अरे भाई ये कोई एयरटेल नहीं है, अरे फोकस हो मेरे भाई। ओके, बहुत नहीं कि ये क्यों नहीं हो रहा, हाँ फोकस क्यों नहीं हो रहा। ओके, देख सकते हैं ये जियो सिम है और आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये मेरा एंड्रॉयड 1 है और आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप सर्च करें यार, एंड्रॉयड कोई 2G होता है क्या, सब 3G होता है, जाहिर सी बात है। तो ये आ गया, आप देख सकते हैं ये मेरा, फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये खोल देता हूँ बैटरी और यहाँ पे कुछ एयरटेल सिम लगा हुआ है, मैं इसको निकाल देता हूँ। अच्छा, तो हाँ जैसे कि मैंने कह रहा था कि आप तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना डिसलाइक और या फिर लाइक को देख के काम कर रहा है नहीं कर रहा है, किसका फेक है किसका फेक नहीं है। तो मैं ये फास्ट सिम में लगा देता हूँ। ओके, माइक्रो सिम यहाँ पे फास्ट सिम में जियो सिम लगा देता हूँ, ये लग गया आप देख सकें। अच्छा, ये लग गया। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी के वीडियोस में लाइक्स या डिसलाइक को
देख के आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये लाइव टेस्ट आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आप जो है सच जान ले। अच्छा तो ये ऑन हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद ये जो है ऑन हो जाएगा। चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो क्या कर सकते हैं। बहुत सारे एक्चुअली वीडियोस और दूसरे दूसरे तरह के मेथड होते हैं, मेरे को यार सभी के सभी फ्रॉड लगते हैं, मतलब कि फेक लगते हैं, क्योंकि 3G डिवाइस में 4G सिम सपोर्ट नहीं करता है, तो कैसे आप 4G सिम घुसेड़ दोगे तो कैसे चलेगा यार। अगर 3G डिवाइस में 4G सिम चलता होता तो इसको 3G क्यों बोलते हैं, 4G डिवाइस क्यों नहीं बोलते यार। कंपनी वाले बेवकूफ़ हैं क्या, मतलब अगर उनके डिवाइस जो उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया 3G सिम में अगर 4G सपोर्ट करता है तो उनमें क्यों, मतलब कि 3G क्यों लिखते हैं, 4G क्यों नहीं लिखते, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अच्छा तो उनके वीडियो के अनुसार मैं कुछ स्टेप फॉलो करूँगा और यहाँ पे जो है 3G आ जाएगा उनके कहने के मुताबिक। तो ये जो है मैं कुछ ये कर देता हूँ, तो जैसे कि देख सकते हैं ये मेरा वाईफाई का नेटवर्क दिखा रहा है, तो ये बंद कर लेता हूँ, बेकार में क्यों चलेगा डीलिंग का मेरा। अच्छा तो आप देख सकते हैं ये मैंने सिम घुसाड़ी है, मैं फिर से दिखा देता हूँ, यार मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं। अच्छा आप देख सकते हैं ये जो सिम है घुसाड़ी है, मैंने ठीक तरह से मतलब कि इंसर्ट की है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, अरे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा, मतलब कि सिम सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अच्छा तो उनके द्वारा जो दिया गया इंस्ट्रक्शन है मैं फॉलो करता हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे मैं करता हूँ *#4636#*#। अच्छा तो आप उनके वीडियो में देखेंगे तो ऐसा कुछ प्रोसेस दिया गया है, आप डिटो चेक कर सकते हैं। मैंने पूरा उनका प्रोसेस जो है मैंने जैसे ही कहा मैं टोटली देख चुका हूँ, ऐसे करते हैं वो। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे फोन इन्फॉर्मेशन पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे वो नेटवर्क पे जाना है, जैसे कि ये है, तो यहाँ पे चूज करना है LTE GSM और पता नहीं क्या क्या। ओके तो ये जो है LTE GSM CDMA, इसमें चूज मतलब कि सिलेक्ट करना है, तो मैं ये करता हूँ। ओके तो ये हो गया, और यहाँ पे तो कुछ सेव ऑप्शन या फिर कुछ नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेव ऑप्शन नहीं है, उन्होंने भी कहा है कि सेव ऑप्शन नहीं है, बस आप डायरेक्टली बैक कर लें, तो मैं ये वो करूँगा आपके सामने। और यहाँ पे देख लेते हैं कि शायद कहीं सेव ऑप्शन मिल जाए, तो इनेबल डाटा कनेक्शन, ये पता नहीं अगर नेटवर्क नहीं तो डाटा कनेक्शन कैसे होगा। ओके कर लेता हूँ फिर भी आपके सामने। तो और ये पता नहीं क्या SMS अपडेट और रिफ्रेश पता नहीं क्या है, इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर भी ये नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो फिर से कुछ कुछ भी LTE वाला कर लेते हैं। यहाँ पे LTE ओनली, फिर भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पे सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, LTE GSM, फिर भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पे कुछ और तो नहीं है यार, LTE CDMA, फिर भी नहीं आ रहा है, ये वाला मैं कर रहा था LTE CDMA, ये वाला कुछ नहीं आ रहा है। तो आपके सामने देख ली, ये मैंने लाइव टेस्ट कर लिया, सॉरी आपके सामने लाइव टेस्ट किया कि ये चल रहा है या नहीं, आप स्मार्ट हैं आप जान ले, एक कॉमन सेंस वाली बात है यार। जिस डिवाइस में 4G सपोर्ट नहीं करता उस डिवाइस में आप 4G सिम घुसेड़े होते हो, कैसे चलेगा, लॉजिक लगाओ दिमाग में, मतलब कि जोड़ दो। जैसे कि मैंने कहा कुछ मतलब कुछ मिनट पहले मैंने जैसे ही कहा कि अगर जिस डिवाइस में 3G डिवाइस में अगर 4G सिम सपोर्ट करता है तो कंपनी वाले उसको 3G डिवाइस क्यों बोलते, मतलब कि 3G डिवाइस लिख के क्यों आपको भेजते, मतलब कि पता नहीं क्या क्या बोलते मेरे को। तो छोड़ो, तो ये मैंने टेस्ट कर लिया आपके सामने, तो मैं आखिरी में आपको बताना चाहूँगा कि आप बेकार में ये सब टाइम अपने जाया मत करें, बेकार में आपका टाइम वेस्ट ना करें ऐसे वीडियोस देख के, एक्चुअली नहीं काम कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है, यूट्यूब में व्यूज पाने के लिए कुछ ऐसे ऐसे रंग बिरंगे मतलब कि अकड़ी बकड़ी वीडियोस बना दे तो व्यूज आ जाता है, व्यूज में पैसे कमाया जा सकता है, तो फेक वीडियो बना के भी लोग कमाते हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि उन यूट्यूबर को ऐसे ऐसे कर, पता नहीं उनके डिवाइस में कैसे चल गया कुछ मैजिक फेजिक करके, मेरे को पता नहीं, ताबीज फाबीज बांधे होंगे। तो
आखिर मैं ये कहना चाहूंगा कि मत ट्राई करिए, वो आपका टाइम बहुत मूल्यवान होता है। किसी ने कहा है कि बेकार में वेस्ट ना करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यार। और आपने जैसे कि देख लिया ये चल रहा है। और हाँ, जिनको लगता है कि चल रहा है उनके डिवाइस में जियो सिम चल रहा है 3G डिवाइस में, तो उनका डिवाइस मॉडल या फिर कोई भी डिवाइस जिस 3G डिवाइस में आप टेस्ट किए हो उस डिवाइस का मॉडल हमें बता दें, मैं आपके सामने दिखाऊंगा। और आप हो सके तो आप वीडियो बना लें, अगर ताकि लोग जो है बेकार में क्यों 4G सिम खरीदे जियो के लिए। सही कह रहा हूँ ना? तो मैं जी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो यूट्यूबर ये वीडियो देख रहे हैं कि यार भाई, मैं आप सभी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करता हूँ, आप सभी का डिसरेस्पेक्ट नहीं करता हूँ। मेरा ये बस मकसद है कि लोग जो है अपना टाइम बचा सकें और बेकार के वीडियोस में विश्वास ना करें। तो ये था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बना के मैंने गलत किया है तो आप नीचे गाली दे सकते हैं, और वीडियो रिमूव करने के लिए आप बोल भी सकते हैं।